हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेस्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स फ्रॉम ईएमटी। और जो ये टॉपिक्स है इसमें मैंने ये थ्री प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस की है मैग्नेटिक फ्लक्स से, सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस की है प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और थर्ड प्रॉब्लम जो इसमें डिस्कस की है वो है पोलराइजेशन से। तो तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कम्पिटिशंस में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं टॉपिक्स से, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी और सब स्टूडेंट को लाभ देगी, चाहे वो किसी भी कम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं। तो पहली प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस बी इज सिचुएटेड इन ए नेबरहुड ऑफ ए स्क्रिट कंडक्टर डेट कैरीज ए साइनसोइडल करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी एज शोन इन फिगर वन। कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेट पेनिट्रेट द लूप। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, क्वेश्चन है कि एक स्क्रिट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक्स एक्सिस में इसमें करंट फ्लो कर रही है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये लूप है रेडियस बी का, एक सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस बी है। इसके कारण इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट करेगा वो पूछा है। सेंटर से लेके जो डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में वो डी है, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इसके अंदर जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो सेंटर से डिस्टेंस है वो डी है, ये रेडियस बी है। एक लूप ले रखा है जिसका सरफेस एरिया जो है वो डी एस है, ये आर एक्स वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है ये रेडियस वेक्टर, ये बनाता है एंगल फाई का, ये एंगल फाई है यहाँ पे, तो दिस इज द एंगल फाई, और जो ये पूरा का पूरा जो लूप है ये एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है एंगल डी फाई। इसको ध्यान रखें, जो डी एस होगा सरफेस एलिमेंट इसका वो हो जाएगा हमारा आर डी आर डी फाई, क्योंकि जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि जो यहाँ पे वेरिएशंस है इस वाले सेगमेंट में वो है डी आर का, और इधर जो वेरिएशन है वो है हमारा आर्क जो है आर डी फाई। इसमें हमने लगा दिया है एक्सप्रेशंस के जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो जब हम आर्क निकालेंगे तो एंगल इंटू रेडियस करेंगे, एंगल हो जाएगा डी फाई और रेडियस आर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर डी फाई और ये है डी आर, तो इसका जो सरफेस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर डी आर डी फाई। तो ये सरफेस एलिमेंट हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि एम्पियर सर्क्यूलर लॉ अप्लाई करके एक यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाई ली है, और ये डिस्टेंस क्योंकि सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये डी है, और ये जो यहाँ से लेके ये आर है और ये एंगल फाई है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी आर कॉस फाई, क्योंकि अगर ये डिस्टेंस आर है और इस सेगमेंट में ये एंगल फाई बन रहा है तो ये इधर जो आएगा वो कॉस कंपोनेंट आएगा, तो ये आर कॉस फाई होगा जो ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू यहाँ से डी प्लस आर कॉस फाई हो जाएगी, क्योंकि आर कॉस फाई ये बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस डी है, और यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो वाई हो जाएगा डी प्लस आर कॉस फाई। अब हम क्या करेंगे कि इस यहाँ के इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डी फाई भी वो होगा बी डॉट डी एस, और बी और डी एस दोनों पैरेलल होंगे क्योंकि बी की उसी दिशा में होगा और डी एस जब उस दिशा में होगा सरफेस एलिमेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल पास करेगा उसके थ्रू। तो डी फाई को जब हम बी डॉट डी एस कर लेंगे और बी डी एस दोनों पैरेलल होंगे तो बी डी एस कॉस जीरो आ जाएगा, तो बी की बी इंटू डी एस और कॉस जीरो वन हो जाएगा, उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर देंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर का सर्क्यूलर लॉ अप्लाई करेंगे कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उससे डिस्टेंस वाई के ऊपर एक हम सर्कुलर लूप लें जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर एयर है माध्यम में तो वैल्यू जो होगी वो होगी इंटीग्रल पी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, और क्योंकि डी एल जो हो जाएगा वो पूरा का पूरा जो स्क्वायर जो हमारा लूप बन के आएगा स्क्वायर लूप उसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी टू पाई वाई, और जो बी इंटू टू पाई वाई की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई, तो बी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा वहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई वाई। तो ये हमने बी कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे, एस डॉट डी एल बराबर आई से शुरू किया था एच जेड डायरेक्शन में, डी एल भी जेड डायरेक्शन में, तो ये डी एल जो है वो टू पाई वाई आ जाएगा इजकल टू वाई, और एच जेड को हम लिख पाएंगे बी जेड अपॉन म्यू नॉट इंटू टू पाई वाई बराबर आई, तो बी जेड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई वाई, और आई की जगह पे हम रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि इसके अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो बी जेड हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी टू पाई, और वाई की जो वैल्यू है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वाई होगा यहाँ पे डी प्लस आर कॉस फाई।
तो वाई बराबर डी प्लस आर कॉस फाई यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारा बी जेड कैलकुलेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाते हैं, डबल इंटीग्रल बी जेड डॉट डी एस, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बी जेड डायरेक्शन में जा रहा, तो डी एस बी जेड डायरेक्शन में हमें एवोल्यूट करना है। वो वैल्यू है आर डी आर डी फाई जो हमने यहाँ पे एवोल्यूट की हुई है, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें, आर की जो लिमिट है म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन टू पाई, और आर डी आर डी फाई अपॉन डी प्लस आर कॉस फाई आ जाएगा, क्योंकि ये डी प्लस आर कॉस फाई ये रहेगा और डी एस की वजह से आर डी आर डी फाई आ जाएगा। उसके बाद हम लिमिट लेंगे, आर की लिमिट ले लें जीरो से लेके बी तक, क्योंकि यहाँ से लेके और इस रीजन तक हमें आर वेरी करेगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेंगे तो जीरो से बी आएगी, और एंगल जो फाई है वो पूरा का पूरा रोटेट हो जाना ये चाहिए, तभी सर्कुलर लूप ये पूरा फॉर्म होगा। तो एंगल जो है फाई को जीरो से टू पाई इंटीग्रेट करते हैं और आर की लिमिट को जीरो से लेके बी तक इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ हमने आर बराबर जीरो से बी तक इंटीग्रेट किया, फाई को जीरो से टू पाई तक, म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसा चल जाएगा, और यहाँ से जो डी फाई है अपॉन डी प्लस आर कॉस फाई, फाई बराबर जीरो से लेकर टू पाई, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखें कि जीरो से टू पाई इंटीग्रल डी फाई अपॉन डी प्लस आर कॉस फाई की वैल्यू होती है इक्वल टू टू पाई अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट को रिमेंबर भी रखें, और मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है रिजल्ट, वहाँ से भी देख सकते हैं इसे। तो जब हमारा यहाँ से टू पाई अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, और टू पाई से हम टू पाई कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आर बराबर जीरो से बी आर डी आर अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे, इस इंटीग्रल को डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को थोड़ा कुछ समय के लिए टी स्क्वायर मान लेंगे, माइनस टू आर डी आर हो जाएगा टू टी डी टी, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ से इजीली हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। म्यू नोट आई नोट साइन ओमेगा टी ये वाली टर्म तो एस सच रहेगी, और जो इंटीग्रल है ये सॉल्व करने के बाद मिलेगा हमें डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं रेगुलर इंटरवल पे, स्केट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण स्क्वायर लूप पे, इसे और हमारा स्क्वायर लूप के अलावा रेक्टेंगुलर लूप, और ये जो क्वेश्चन था वो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप का था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स लगातार कंपटीशंस की दुनिया में आती हैं, तो मैंने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉब्लम्स है, और काफी यूजफुल कंसेप्ट इसमें भी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन है ए प्लेन वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई ई आई बराबर 100 कॉस और फेज है ओमेगा टी माइनस 6 पाई एक्स, और डायरेक्शन है ए जेड, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो जेड डायरेक्शन में है। प्रोपोगेशन जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से मिलती है, तो प्रोपोगेशन वैक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है, और प्रोपोगेशन वैक्टर की डायरेक्शन ही पॉइंटिंग वैक्टर की भी डायरेक्शन होती है, इसको भी ध्यान रखें। पास इज नॉर्मली फ्रॉम ए मेटीरियल हैविंग एप्सिलॉन आर बराबर 4, म्यू आर बराबर 1 एंड सिग्मा बराबर 0 टू ए मेटीरियल हैविंग एप्सिलॉन आर बराबर 9, म्यू आर बराबर 4 एंड सिग्मा बराबर 0। ये रिलेटिव परमिबिलिटी जो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिबिलिटी और परमिटिविटी है, म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये माध्यम 1 में जो है ये वैल्यू दे रखी है और माध्यम 2 में ये दे रखी है एप्सिलॉन आर और म्यू आर की, और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में क्योंकि सिग्मा की वैल्यू 0 है। इसमें कैलकुलेट करना है जेड वन जेड टू करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दोनों रीजन्स के अंदर जहाँ से इंसिडेंट वेव आई थी और जहाँ ट्रांसमिटेड हुई है उन दोनों रीजन्स में, और टी और आर पूछा है जेड वन जेड टू और बीटा वन और बीटा टू ये वेव वेक्टर्स हैं। तो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला याद रखें कि करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड वन होता है अंडर रूट म्यू वन अपॉन एप्सिलॉन वन, म्यू वन की जगह पर रखते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर वन, क्योंकि हम म्यू आर की जो वैल्यू होती है म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू नॉट, यहाँ से यूज कर ले तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलॉन वन हो जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये यहाँ से हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर होता है हमारा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और इसका रूट इसकी अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस होता है, और उसकी वैल्यू 120 पाई ओम होती है। तो 120 पाई वैल्यू रख दें, म्यू आर गिवन है यहाँ पे 1 फर्स्ट मीडियम के अंदर, एप्सिलॉन आर को 4 रख दें तो ये 120 पाई अपॉन 1 बाई रूट 4 आर ये हो जाएगा 2, तो इसकी पाई आंसर आ जाएगा। तो करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होगा जिस माध्यम से वेव आ रही है जो फर्स्ट मीडियम है उसमें वैल्यू हो जाएगी 60 पाई ओम। करैक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सेकेंड मीडियम का होगा अंडर रूट म्यू 2 अपॉन एप्सिलॉन 2, ये परमिटिविटी है एप्सिलॉन 2 और ये परमिबिलिटी है सेकेंड मीडियम की, अंडर रूट म्यू नॉट
और फिर से यही प्रॉपर्टी यूज कर दें, म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन 2 को लिख दें एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को 120 पाई ले लें, और म्यू आर की वैल्यू सेकंड मीडियम में 4 और एप्सिलॉन आर है 9, वो यहाँ पुट कर दें। रूट 4/9 की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, और 120 पाई इंटू 2/3 हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आएगी 80 पाई। तो 80 पाई ओम जो होगा वो सेकंड मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Z1 और Z2 हमने यहाँ से एवेल्यूट किए हैं, तो इन फॉर्मूलों को दोनों को रिमेंबर रखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन से, और करने का पैटर्न भी याद रखें। उसके बाद ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से जुड़ा होता है वो होता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2Z2/Z1+Z2। तो 2×Z2 की वैल्यू यहाँ से 80 पाई यहाँ रख दें, अपॉन Z1+Z2 रखते हैं 60 पाई + 80 पाई, सॉल्व करके ये वैल्यू मिलेगी हमें 8/7। उसके बाद रिफ्लेक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू t-1 ले लें, तो ये 8/7 - 1 हो जाएगा 1/7, तो r की वैल्यू 1/7 आ जाएगी, और ये जो r होगा वो नेगेटिव साइन का होगा, क्योंकि जो लाइट जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपगेट कर रही है वो रेयर मीडियम से जेंसर मीडियम में जा रही है। तो स्टोक्स ट्रीटमेंट ये कहता है कि जो लाइट रे जब रेयर मीडियम से जेंसर मीडियम में जाती है तो जो रिफ्लेक्शन है उसमें माइनस साइन आ जाता है, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि 180 का फेज डिफरेंस पैदा हो जाता है जब लाइट रेज रेयर से जेंसर मीडियम में जाकर टकराती है और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी उसमें 180 का फेज डिफरेंस होगा। तो अगर हम माइनस साइन भी कंसिडर करेंगे नेगेटिव साइन पाई के फेज डिफरेंस के लिए, तो आर है 1/7 हो जाएगा, और टी की वैल्यू 8/7 है, तो 8/7 - 1/7 = 1 हो जाएगा, जो कि आर प्लस टी का सम 1 होना चाहिए। इस तरीका से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो रिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड है वो 1/7 होगा, और रिफ्लेक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू फेज के साथ होगी वो 1/7 e^i होगी, और या -1/7 होगी, जो 180 फेज डिफरेंस को बताएगी, और ये बताएगी कि जो ईएम वेव है वो रेयर मीडियम से जेंसर मीडियम में जाकर टकरा रही है बाउंड्री के ऊपर। तो ये कंसेप्ट तैयार रखें। β1 जो होगा, अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, β1 कैलकुलेट करने के लिए जो वेव वेक्टर है फर्स्ट मीडियम में वो होगा ओमेगा अंडर रूट μ1ε1, और इसकी वैल्यू को यहाँ से लेते हैं ωt - kx, और के और बीटा यहाँ पर सिंबल सेम है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 6π हो जाएगी। β2 की वैल्यू ओमेगा अंडर रूट μ2ε2 होगी, इसमें ओमेगा अंडर रूट μ1ε1 अंडर रूट μ2ε2 अपॉन अंडर रूट μ1ε1 कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने इसी टर्म से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड किया, क्योंकि 1 हो जाएगा। तो इसे करने का फायदा इसमें ये होगा कि जब हम इस कंसेप्ट को यूज कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से ये वैल्यू तो हो जाएगी हमारी 6π, और μ2 को रख देंगे μ0, और सेकंड मीडियम के अंदर जो रिलेटिव परमिबिलिटी है वो रख देंगे, ऐसे यहाँ पे रख देंगे, तो 9×4 यहाँ से आ जाएगी ये दोनों वैल्यूज, और यहाँ से जो वैल्यूज है ये 4×1 आ जाएगा, इसका रूट और रूट आ जाएगा क्योंकि इन पर दोनों पर रूट लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू हमें मिलेगी 18π। इस टाइप से हम K2 या β2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैंने इसमें कैलकुलेट कराई थी 6 टर्म्स। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को समझें, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैं डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ, ए डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है, परमिटिविटी है उसकी एप्सिलॉन एंड रेडियस है आर, इस सेंटर डेट ओरिजन, ओरिजन जो है वो सेंटर है, पोलराइजेशन पी दे रखा के आर, आर जो है वो रेडियस वेक्टर है और के कांस्टेंट है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में आउटसाइड में, और वी कैलकुलेट करना है सेंटर के ऊपर। तो 3 जो पैरामीटर्स हैं वो इसमें कैलकुलेट करने हैं। तो याद रखें कि जो रो भी होता है वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है -डाइवर्जेंस p। मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ उसके ऊपर, तो मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने एक्सप्रेशंस कैलकुलेट करा रखे हैं सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी का। पोलराइजेशन का टॉपिक है, वहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो रो भी बराबर होता है -डाइवर्जेंस p, और डाइवर्जेंस जो हम जब p r का फंक्शन है तो यहाँ पर यूज करें, ये माइनस इन आ जाएगा 1/r² ∂ρ/r² और p जो r का फंक्शन है वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें ∗ kr। तो इस एक्सप्रेशन को याद रखें। उसके बाद ये जो हम वैल्यू सॉल्व करेंगे kr³ की, तो ये वैल्यू आ जाएगी ∂ρ/kr³ आ जाएगा 3kr² और r² से फिर उसे डिवाइड करें तो ये -3 के आ जाएगा। तो रो वी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगी हमारी
माइनस थ्री के इस क्वेश्चन के अंदर। फिर हम रो भी कैलकुलेट करने के बाद गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ कहेगा कि इंटीग्रल डी डॉट डी एस की वैल्यू जो होती है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन होती है, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करें और डी डॉट डी एस की जो वैल्यू होती है वो क्यू के इक्वल होती है, और क्यू को हम इंटीग्रल रो भी इंटू डी वी ले सकते हैं। रो भी की जगह पे माइनस थ्री के रख दें और डी वी जो हो जाएगा, अगर हम रेडियस आर का एक स्पेयर लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो होगा 4/3πr³। तो यहाँ से हम डी डॉट डी एस से ले आए, डी जो है वो रेडियल डायरेक्शन में हम लेंगे डी आर, और डी एस हो जाएगा हमारा 4πr² इजकल टू रो भी की वैल्यू रखते हैं माइनस थ्री के, और डी का इंटीग्रल जो हो जाएगा वी हो जाएगा, वो 4/3πr³ वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा डी आर कैलकुलेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में लेसन होता है डी बराबर एप्सिलॉन ई, तो ई जो होगा रेडियल डायरेक्शन में होगा क्योंकि डी बी आर डायरेक्शन में है रेडियल डायरेक्शन में, तो ई आर हो जाएगा डी आर अपॉन एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के आर अपॉन एप्सिलॉन, जब आर की वैल्यू रेडियस से जो रेडियस है डायलेक्ट्रिक स्फीयर की उससे कम है। उसके बाद हम ये भी ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटसाइड के किसी भी पॉइंट पर डायलेक्ट्रिक में जीरो होता है, इस कंसेप्ट को कभी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही हम आउटर साइड के किसी पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए होता है क्योंकि जो गॉसियन सरफेस होता है उसमें नेट बाउंड चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाती है, और क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है अगर उसके अंदर नेट बाउंड चार्ज जीरो होगा तो उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो नेट बाउंड चार्ज होता है दो तरीका का चार्ज हम लेते हैं, दे आर टू टाइप ऑफ द चार्जेज, एक होता है वॉल्यूम बाउंड चार्ज, एक होता है सरफेस बाउंड चार्ज, तो जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज और सरफेस बाउंड चार्ज का समय वो जीरो होता है, क्योंकि जो चार्ज किसी समय पे एक्यूमुलेट नहीं रहता वॉल्यूम में वो सरफेस पर चला जाता है, और नेट सम ऑफ द चार्ज जो होगा इस वजह से वो जीरो बना रहता है पोलराइजेशन में। तो याद रखें कि जब एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमसे एवेल्यूएट कराएगा तो हमें सदा जीरो आंसर मार्क करना है, इस कंसेप्ट को सदा याद रखें, चाहे पोलराइजेशन वेक्टर की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर या अगर सिलेंडर का केस है उसमें भी अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, तो ई जीरो होगा आउटसाइड में और जो ई आर है वो माइनस के आर अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा इनसाइड में। तो ये दोनों चीजें पूछी थी, वी एक्स सेंटर के मैंने यहाँ डिस्कस किया है, तो वी सेंटर पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी बराबर ले लेंगे माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी से लेके जो वैल्यू जिस पॉइंट पर हमें चाहिए वहां तक हम जाएंगे, तो वी जो होगा वो हो जाएगा हम उसे दो लिमिट में ब्रेक कर लेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से जीरो ई डॉट डी आर, और एक हम ब्रेक कर लेंगे उसे माइनस आर से लेके माइनस लिमिट ले लेंगे और आर से जीरो ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ई डी आर कॉस पाई, तो जो लिमिट है उसमें ई डी आर कॉस पाई के बाद में उसे ये यहाँ पे माइनस चिन्ह जो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आर से लेके जीरो ई डी आर आ जाएगा, ये ई जीरो है आउटसाइड में क्योंकि इन्फिनिटी से आर के रीजन्स के अंदर एक्सटर्नल पॉइंट पे इस जो हमारा स्फीयर होगा अगर उसकी रीजन्स कैपिटल आर है तो उसके इधर के जो पॉइंट है उन पर सब पे ई जीरो होगा, ई जीरो होने से जो इस रीजन्स के अंदर जो ये वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी, ई डी जीरो होते मल्टीप्लाई होकर, और आर लिमिट जो लेंगे हम इंटीग्रल आर से जीरो ई डी आर लेंगे, ई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे माइनस के आर अपॉन एप्सिलॉन और इसे आर से जीरो तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये जो माइनस के आर स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वी एक्स सेंटर, इस तरीका से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैंने स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि इसका यहाँ स्पेस ना होने से मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपकी समझ आ गया होगा। तो याद रखें कि जब भी पोलराइजर वेक्टर से क्वेश्चन आता है तो पी का जो क्वेश्चन है वो जनरली आर रेडियस वेक्टर में देता है स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में, अगर वो कार्टेशियन में पूछता है तो रो भी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली माइनस डाइवर्जेंस पी यूज कर लेते हैं और इसे हम माइनस डेल पी अपॉन डेल पी एक्स अपॉन डेल एक्स ले लेते हैं अगर पी केवल एक्स डायरेक्शन में है, उसी तरीका से हम अगर वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में है तो वहां पर माइनस डेल पी वाई अपॉन डेल वाई और माइनस डेल पी जेड अपॉन डेल जेड ले लेंगे अगर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है, तो ये तो हम अप्लाई करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और पोलर में स्पेरिकल में हम ऐसे अप्लाई करते हैं, स्फेरिकल में मैं आगे एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, तो काफी यूजफुल कंसेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और इस चैनल के कंटेंट को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और गांव के बच्चों को समर्पित हैं मेरी तरफ से सभी वीडियो, और ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो गाइडेंस जिन्हें उपलब्ध नहीं है तो वहाँ तक इन्हें पहुँचाने में मुझे सहयोग करते रहें, इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब कराते रहें और इस मिशन में मुझे मदद करते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़।